अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद सरकार ने पहल करते हुए 5% आरक्षण गुजरों को दिया था, अलग से कोटा दिया, गुजर और 2-3 जातियां उसमें और हैं। अब उसे भी कोर्ट से खत्म करा दिया गया, तो गुजर 15 तारीख से फिर सड़क पे उतर रहे हैं 15 मई से राजस्थान के। उसके समर्थन में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुजर समाज के लोग और समाजवादी पार्टी भी, हम लोग राजस्थान के गुजरों के समर्थन में हैं। हम लोग उनके समर्थन में यहाँ पर भी आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान भी जाएंगे, उनको आर्थिक मदद भी करेंगे। इसको लेके आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजर समाज राजस्थान के गुजरों के समर्थन में उतरेगा। इसमें विशेष बात यह है कि गुजर समाज राजस्थान में एसटी में अब शामिल करने की मांग कर रहा था, शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद पहल करते हुए कि उसमें संवैधानिक अड़चन है, हम आपको अलग से 5% कोटा दे देते हैं, वो दिया, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। तो ये उन्होंने धोखा किया है। अब पूजा समाज की मांग ये है कि चाहे तो 50% आरक्षण के बाहर दो या उसके अंदर दो, लेकिन हमें 5% कोटा मिलना चाहिए। पूजा समाज की आप बात करें, पिछले कुछ समय के अंदर मेरठ में पूजा समाज के लोगों के साथ में कुछ घटनाएं हुई, जिसको लेकर भी क्या आपकी कोई रणनीति रहेगी कि अपने प्रदेश के अंदर भी सरकार के खिलाफ? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक जंगल राज आज कायम है, योगी आदित्यनाथ जो खुद को कानून का रक्षक कहते हैं, कानून तोड़ने का काम वो खुद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को हाथ बांध बांध के गोली मारी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं और 40 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में की गई, जिनमें से ज्यादातर आधे तो उनमें निर्दोष लोग हैं जिनके खिलाफ कोई एक बात छोटा मोटा मुकदमा था, और ज्यादातर फर्जी एनकाउंटर हैं। तो ये यहाँ मेरठ जिले में भी अन्य समाज के लोगों के साथ भी हुआ है, लेकिन 2 गुजरों की हत्या की गई है, एक सुमित गुजर बागपत में और एक हमारे नरेंद्र नागर यहाँ मेरठ में। दोनों लोगों को पुलिस ने दोनों की हत्या की है, दोनों में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोषी लोग जेल भेजे जाने चाहिए और इन परिवारों की आर्थिक मदद होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें गुजर भी शामिल है लेकिन अन्य समाज के लोग भी शामिल है, ये तो सामाजिक मुद्दा है।